नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स और आपके साथ मैं हूं अपूर्व मिश्रा। आईपीएल 2020 के शुरू होने में अब कुछ ही दिन का वक्त बचा है और इससे पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के कप्तान विराट कोहली शायद चिंता में डूब गए, जिसका कारण उनकी टीम नहीं है बल्कि इंग्लैंड के हाथों पिछले दो मैचों में ऑस्ट्रेलिया को मिली हार है। अब आप सोचेंगे ये कैसे कि हारी ऑस्ट्रेलिया और चिंता हो रही है कोहली को, तो हम इसके पीछे की वजह आपको बताते हैं। दरअसल इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की T20 सीरीज खेली जा रही है, जिसमें ऑस्ट्रेलियाई टीम पहले ही 2-0 पिछड़ गई है दो मैच, क्योंकि वो हार चुकी है और यही कोहली की चिंता का कारण है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया के कप्तान एरॉन फिंच और एडम जैम्पा कोहली की टीम का इस बार हिस्सा है और पिछले मैच में फिंच से हुई गलती को देखकर कोहली की चिंता जरूर बढ़ गई होगी। तेज गेंदबाज केन रिचर्डसन की जगह आरसीबी में इस बार एडम जैम्पा को शामिल किया गया है, जिस एडम जैम्पा की अंग्रेजी बल्लेबाजों ने जबरदस्त धुनाई की है। सीरीज के पहले मैच में उन्होंने 4 ओवर में 47 रन लुटा दिए और दूसरे मैच में भी उनका प्रदर्शन नहीं सुधर पाया। दूसरे मैच में जैम्पा ने 3.5 ओवरों में ही 42 रन उड़ा दिए, तो जाहिर सी बात है कोहली को यह लग रहा होगा कि भाई जैम्पा वहां इतने पीटे जा रहे हैं, मेरी टीम में आएंगे वहां पर भी पीटे जाएंगे। वहीं डेथ ओवर्स में फिंच की गलती भी बहुत भारी पड़ गई ऑस्ट्रेलिया को, उसकी भी चिंता है कोहली को। दरअसल ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट के नुकसान पर 157 रन बनाए थे, जवाब में इंग्लैंड ने 4 विकेट के नुकसान पर 158 रन बनाकर 6 विकेट से मैच जीत लिया। हालांकि इंग्लैंड की भी शुरुआत खास नहीं थी, जॉस बटलर ने डेविड मरन के साथ मिलकर पारी को संभाल लिया और दोनों के बीच 87 रनों की पार्टनरशिप हुई। हालांकि मलान के आउट होने के बाद टॉम बेंटन और ओयन मॉर्गन के विकेट जल्दी गिर गए थे और ऑस्ट्रेलिया के पास मैच में वापसी का मौका था। इंग्लैंड को आखिरी 2 ओवर में जीत के लिए 18 रनों की जरूरत थी, ऐसे में फिंच ने जेम्स पैटिनसन और केन रिचर्डसन की जगह पर जैम्पा को 19वां ओवर दे दिया। बस फिर क्या था, इंग्लैंड के जैम्पा इस ओवर की 5 गेंदों पर ही इंग्लैंड ने मैच खत्म कर दिया। इस ओवर में इंग्लैंड ने 2 छक्के लगाए, 1 चौका लगाया, साथ ही साथ 2 सिंगल ले लिए, मैच वहीं पर खत्म। बटलर ने भी यही छक्का लगा दिया और इस बाउंड्री के साथ विराट कोहली के दिल की धड़कनें भी उन्होंने बढ़ा दी। अब खैर उम्मीद विराट कोहली यही करेंगे कि वहां तो वो इतना पीटे जा रहे हैं, कम से कम जब यूएई में उनकी टीम के साथ जुड़ जाएंगे तो यूएई के विकेट्स भी स्पिनर्स को मदद करते हैं, तो कम से कम यूएई में एडम जैम्पा आरसीबी के लिए अच्छा प्रदर्शन करेंगे, उम्मीद तो उनको यही है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत शुक्रिया।